बहरहाल आप इसे जो भी समझें, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई या फिर और कुछ, मगर मुझे इस तरह की बातों से परे एक और विकट अनुभव महसूस हुआ। नौ या दस दिसंबर 1992 का दिन था। जगह भोपाल का जहांगीराबाद इलाका, बाबरी मस्जिद दहाने के बाद हुए दंगों की गर्मी कुछ कम होने वाली थी और दिन में कुछ देर के लिए कर्फ्यू में दो चार घंटों के लिए ढील दी जाती थी। देर रात तक छतों पर जमा लौंडों ने नारे लगाए, जय श्री राम, बजरंगबली की जय और अल्लाह अकबर के नारे सुन सुन कर पैदा हुए गुस्से को कम करने की गरज से मैं कर्फ्यू में दी गई ढील के दौरान सड़क पर तफरी करने निकल पड़ा था। अचानक क्या देखता हूं कि आग में झुलसे और खंडहर हुए अपने मकान के आगे एक नौजवान दो प्लेटों में काट कर साफ किए मुर्गे बेचने बैठा है। मुझसे रहा नहीं गया, सो उसके पास जाकर पूछा, क्यों भाई सब कुछ भूल भाल के धंधे पे बैठ गए क्या हैं? वो बोलता है, मरने वाले मर गए, जलते घर को बचाने की कुव्वत मुझ में थी नहीं, सो अब जो कर सकता हूं वही कर रहा हूं भाई साहब। अब आप ही बताओ भाई साहब, मरने जलने से जो बच गया वो करे भी तो और क्या करे, चाहे दंगे हो या अमन चैन रहे, भूख तो रुकती नहीं ना बाबू। उसकी बात से मैं पसीज जाता हूं और इच्छा होती है कि उसकी बगल में खड़े होकर आवाज दूं, चीख चीख कर आवाज दूं कि दंगों में हलाल मुर्गे लो, बढ़िया सस्ते मुर्गे लो। पर सफेद पोश आदमी सिर्फ इच्छा करते रहता है। और बाद में इसे पूरी करने की हिम्मत न होने से गमगीन होता रहता है। सो मैं भी चुपचाप घर लौट आया। पर घर में लौटा मैं क्या वही पुराना मैं होता हूं? शायद नहीं। प्लीज सब्सक्राइब एंड क्लिक नोटिफिकेशन बेल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक।